तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे साथ, तो क्या लेने आई हो यहाँ? जाओ निभाओ अपने धर्म को, रहो अपने पति के साथ। भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे पिया, लेकिन भूल जाना कि उस खुशी में शामिल होने के लिए तुम्हारा कोई भाई भी है। इस घर से हम सब से अब तुम्हारा कोई नाता नहीं है। पिया, पिया रुक जा। घर में जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। भाभी साहब, मेरी किस्मत में जो कुछ लिखा है वो तो होगा ही ना, इसमें आप या कोई और क्या कर सकता है। नाहर और भाई साहब को मुझसे ज्यादा तुम जानते हो पिया, वो चाहे जो कहे, तुम्हें तो पता है कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। देख लेना, अपने छोटे बहन से ज्यादा दूर नहीं रह पाएंगे वो। या तुम्हारा दिल रखने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, सच में तुम जो भी कर रही हो उसमें कोई गलत नहीं। मुझे पूरा यकीन है नाहर और भैसा ना सिर्फ तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन नाश करेंगे अपनी बहन पर। आप सही कह रही है भाभी साहब, मेरे भाई साहब अपनी जान से बढ़कर भी मुझे प्यार करते, वो मुझसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। चलती हूँ। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन पिया का दिल दुखाकर आपने अच्छा नहीं किया। कितने प्यार से अपने पहली कमाई की खुशी अपने भाइयों के साथ बांटने आई थी वो। मैं भी तो वहां गया था सलोनी, उसका दुख बांटने, एक बड़े भाई के नाते उसकी और उसके परिवार की मदद करने। मगर क्या हुआ वहां मालूम है ना तुम्हें? उसने अपने भाइयों को छोड़ दिया उस इंसान के लिए जो उसे एक अच्छी जिंदगी तक नहीं दे सकता। भाई साहब, श्रीधर पिया का पति है। मैं उसका भाई हूँ सलोनी। लाड़ प्यार में पली अपनी बहन को एक छोटी सी नौकरी करते देख चुप नहीं रह सकता मैं। भाई साहब, मैं मानती हूँ पिया का बाहर नौकरी करना इस परिवार की शान के खिलाफ है, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि वो जो कुछ कर रही है अपने परिवार के लिए कर रही है। अरे क्या जरूरत है पिया को वो नौकरी करने की? अगर श्रीधर अपनी पत्नी और अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकता, उनके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो फिर पिया उस निठल्ले इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही है? भाई साहब, शादी के बाद ससुराल ही एक औरत का अपना घर होता है, मायके में वो तो मेहमान बनकर जाती है। अपने पति और परिवार का हर हाल में साथ देना एक पत्नी का धर्म होता है, चाहे कितने भी बड़े खानदान की बेटी हो। उसका रिश्ता सुख दुख उस घर से जुड़ जाता है जहाँ वो किसी की ब्याहता बनकर जाती है, साथ जन्म साथ देने का वादा करके। आज बुरे वक्त में अपने पति का साथ कैसे छोड़ देगी पिया? और नौकरी करने वाली अकेली पिया तो नहीं, दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो किसी न किसी वजह से नौकरी कर रही हैं। कोई अपने पति की सहायता के लिए, कोई अपने बच्चों की परवरिश के लिए, तो कोई अपने लाचार माँ बाप को सहारा देने के लिए। मैंने भी तो समर के ऑपरेशन के लिए नौकरी की थी। वो बात अलग है सलोनी। कैसे अलग है नाहर? पिया अगर इस घर की बेटी है तो मैं बहू हूँ। मेरे बाहर जाकर काम करने पर ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी आपको। उस वक्त आप दोनों ने मुझे हौसला दिया, तो पिया के लिए गुस्सा क्यों? आज किसी वजह से अगर श्रीधर अपना फर्ज नहीं पूरा कर सकते तो उनकी जगह पिया वो फर्ज पूरा कर रही है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता सलोनी, और अब मैं बहस नहीं करना चाहता। जब तक अनजान था बात अलग थी, लेकिन अब सब जानते हुए
मैं अपनी बच्ची को कुएं में छलांग नहीं लगाने दूंगा। आप हमेशा सही रहे हैं भाई साहब, लेकिन माफ कीजिएगा, इस बार आप गलत हैं। सलोनी, पिया जो कुछ कर रही है सही कर रही है, उसमें गलत क्या है मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। पिया तो गलत है, उसे सपोर्ट करके तुम भी गलत कर रही हो सलोनी। ऐसा तुम सोच रहे हो ब्रिजेश, लेकिन हम लोगों का मानना है कि पिया ने अपने कंधों पर अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां उठाकर कोई भूल नहीं की। इस मामले में हम सलोनी के साथ हैं। रंजीत, हाँ? क्या तुम मैं पेपर्स अरेंज कर सकते हो फाइल में प्लीज? श्योर। थैंक्स। इतना छोटा काम, और भी कुछ काम हो तो बताइए। वैसे आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू। हाँ, लगता है आप नाराज हो गई। मेरा तो सिर्फ इतना कहने का मतलब था कि आप इस ऑफिस में नई हैं, किसी को जानती भी नहीं है। अगर आप चाहें तो कॉफी के लिए आपको कंपनी दे सकता हूँ। I'm not interested. दोबारा ऐसी हरकत की तो हाथ तोड़ के फेंक। What's going on? मिसबिहेव कर रहा था पिया के साथ। पिया से माफी मांगो। I am sorry ma'am. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करने की? Get out of my office. और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे यहां पर। नहीं समर भैया, सॉरी सो प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए उन्होंने सॉरी तो कह दिया है ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की नौकरी जाए। पिया मेरी एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी मुझ पर है, और इसने जो कुछ भी किया है। गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, एक मौका तो दे दीजिए इन्हें प्लीज। पिया के कहने पर तो मैं रख रहा हूं, लेकिन आइंदा तुमने ऐसी बदतमीजी की तो जॉब से तो हाथ धो ही बैठोगे, साथ साथ हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी तुम्हें। जी थैंक यू सर। बैक टू वर्क एवरीवन, बैक टू वर्क। हाय समर। हाय तानिया। अरे क्या बात है, आज रोज से कुछ अलग लग रही हो तुम। यू कैन विश मी, आज मेरा बर्थडे है। ओह ग्रेट, अच्छी लग रही हो। थैंक्स समर, आज मैं घर पर एक स्मॉल गेट टुगेदर रख रही हूँ, ओनली फॉर सम क्लोज फ्रेंड्स। अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज तानिया, आई वोंट बी एबल टू मेक इट, आई एम रियली सॉरी। कोशिश करना ना, आई विल बी रियली हैप्पी। मैं जरूर आऊंगा। थैंक्स।
अरे ये क्या है मनु भाभी? मेरी शादी के जेवर है ये। अरे वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन आज अचानक इनकी जरूरत क्यों आ गई? थारी धौ ने, अरे तुम्हीने तो कहा था कि बेटे की शादी के बारे में सोचो, वही कर रही हूँ। अब ये सब मेरे किस काम के? सोचा अपनी होने वाली बहू को दे दूंगी। देखिए मनु भाभी, आजकल के नए जमाने की लड़कियाँ ये पुराने जमाने के जेवर पसंद आएंगे क्या? नहीं पसंद करेंगी तो तुड़वा के नए फैशन के बना देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस मैं तो माता जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बहू आए उसके संस्कार इस परिवार जैसे हो, हम में ऐसे घुल मिल जाए जैसे चाय में चीनी। ये समर इतना सच धज के कहाँ जा रहे हैं? अरे कावेरी, वो मैं नए जूते लेके आया था कार के। वो शूज भीग गए थे, इसलिए मैंने सुखाने के लिए टेरेस पे रख दिए। आप कहें तो मैं ले आती हूँ। नहीं तुम बैठे रहो, मैं लेके। शायद समर के फोन से पता चल जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। तान्या का बर्थडे है। अच्छा हुआ बाबा, अच्छा हुआ मैं चला गया, थोड़ी देर और रुकता ना तो बारिश आ जाती। आपने बताया नहीं आप कहाँ जा रहे? वो दरअसल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग आ रही है, वहीं जा रहा हूँ। इतनी बारिश में मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती? नहीं कावेरी, बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है और एथिक्स के खिलाफ है लास्ट मोमेंट पे मीटिंग कैंसिल करना। मुझे देर हो जाएगी, तुम सो जाओ, मैं डुप्लीकेट किसे अंदर आ जाऊंगा। ओके चलो। माय बैड लक, ये बारिश को भी आज ही होना था और अब तुम भी कह रहे हो कि तुम भी नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, इट्स रियली रेनिंग हैवीली, नेवर माइंड, थैंक्स। पता नहीं समर भी आएगा कि नहीं। Happy birthday. Thanks. तुम तो पूरी तरह से भीग गए हो। आओ ना, अंदर आओ। वो दरअसल बाहर का मौसम तो क्या कहें, गाड़ी से निकला और पूरा भीग गया मैं। क्या बात है, तुम्हारे फ्रेंड्स नजर नहीं आ रहे? क्या कहें, बाकी सब आपकी तरह नहीं, तुम्हारी तरह नहीं होते ना। कुछ लोग तो आकर चले गए, कुछ लोग शायद आ जाएं। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ हुई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चेंज कर लो ना, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। अब मुझे थोड़ी ना मालूम था ये होने वाला है, नहीं तो चेंज साथ में लेके आता। वैसे मैं तुम्हें टी शर्ट दे सकती हूँ अगर तुम। हाँ हाँ बिल्कुल, वाई नॉट। लेकर आती। ओके। So sorry, तुम्हें तो सर्दी हो गई। नहीं नहीं मैं पहुंच लूंगा। तो मैं पहुंच। नहीं नहीं मैं पहुंच लूंगा। तुम बैठो ना समर। कितनी सर्दी हो गई। ओह गॉड। Thank you.
ऐसी होती है तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स। कावेरी तुम यहाँ? दिन भर तो मेरे पति के साथ ऑफिस में रहती हो, तो फिर समर को अपने घर क्यों बुलाया तुमने? कावेरी, रिजाइन का नाटक करके मेरे पति को तुम मुझसे चुराना चाहती हो? इतना बड़ा बिजनेसमैन हाथ लगा है, इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हो, है ना? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें समर को अपनी जिंदगी से जाने के लिए? क्या बकवास कर रही हो कावेरी तुम? मैं बकवास कर रही हूँ समर? हाँ, और तुमने जो मुझसे झूठ बोला? कावेरी, तान्या का बर्थडे, उसने मुझे इनवाइट किया। अगर ये बात मैं तुम्हें बता देता तो मुझे तान्या के घर में आने देती? अगर इसे अपना बर्थडे मनाने का इतना ही शौक था तो तुम्हारे साथ अकेले ही क्यों? तुम इसके जाल में फंस चुके हो समय, तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं। कावेरी, घर पे चल के बात करें प्लीज। क्यों, यहाँ क्यों नहीं? कावेरी चलो, चलो कावेरी। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। आज आपकी नाराजगी मुझसे है। तुम कुछ नहीं समझती हो सलोनी। भाई साहब, मैं आपका दुख समझती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती हो। बचपन में जब पिया को नींद नहीं आती थी तो मैं उसे पूरी पूरी रात अपने कंधे पर उठाकर लोरी सुनाता था, और आज उसी बहन के आंसू तुमने मुझसे छुपा कर रखे सलोनी। पिया के पैरों में कांटे ना पड़े, उसके सर पर कड़ी धूप ना पड़े, इसलिए मैं साथ साथ दौड़ा हूं। और आज उसकी जिंदगी बिखर गई और तुमने इस बात की खबर तक मुझे लगने नहीं दी। पिया ने कहा था भाई साहब। मगर तुम तो मुझे कॉन्फिडेंस में ले सकती थी ना सलोनी। भाई साहब, पिया ने कसम दे रखी थी। रहने दो सलोनी, बार बार वही बात करके फायदा नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आज मेरी बहन पिया अपने भाइयों के पास आना ही नहीं चाहती, और मेरे लिए ये कितना बड़ा सदमा है ये तुम नहीं समझ सकती। ऐसा लगता है जैसे मेरे ही शरीर का एक हिस्सा मुझसे अलग हो गया है। ब्रिजेश बेटे, तुम्हारा दुख हम सबका दुख है, लेकिन सलोनी को भाबो प्लीज। गलत बात पर सलोनी का साथ लेने के लिए कम से कम मुझे मजबूर मत करो। एक बार ठीक है, दूसरी बार हुआ फिर भी ठीक है, लेकिन बार बार मैं सलोनी की गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कैसी गलती ब्रिजेश? सलोनी ने ऐसा क्या किया है कि जिसे तुम माफ करना भी अपने बस में नहीं समझते? इसने ना तो आज तक कोई गलत निर्णय लिया है, ना कोई गलत कदम उठाया है। बाबो, आपकी आंखों पर सलोनी के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको कुछ नजर नहीं आता है। आज पिया जिस हाल में है, जिस तकलीफ में है, उसकी वजह सिर्फ सलोनी है। भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? पिया की मुसीबतों की वजह सलोनी? हाँ नाहर, हाँ। तुम लोग सब भूल गए क्या?
हमें बिना बताए सलोनी ने ही पिया की शादी उस निकम्मे इंसान से करवाई। ना वो शादी होती ना श्रीधर पिया को तकलीफ देता। और ना ही हमारी बहन अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ती। ये सब सलोनी की वजह से इसी के शय पर हुआ है।